नमस्कार, मैं संगम विकास और आप देख रहे हैं टेक्निकल विकास टीवी। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे IRCTC का, अगर आप यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों भूल गए हैं तो आप कैसे प्राप्त करेंगे आईडी और पासवर्ड, या आप सिर्फ आईडी भूल गए हैं तो आप कैसे प्राप्त करेंगे, या सिर्फ पासवर्ड भूल गए हैं या दोनों भूल गए हैं, तो इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट जानकारी दे दूंगा कि आप IRCTC का आईडी या पासवर्ड दोनों में से कोई एक भूल गए हैं या आप दोनों भूल गए हैं तो आप उसे कैसे प्राप्त करेंगे बड़े ही आसानी से। हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें कमेंट किया था और व्हाट्सअप भी किए हैं, जिनको लेकर के मैं इस वीडियो को मैं फिलहाल बनाने जा रहा हूँ। यहाँ पर फिलहाल मैं आपको दिखाने की कोशिश में कर रहा हूँ कि दिलीप कुमार बारिक ने मुझे कमेंट किए थे, सर नमस्कार, मेरा पुराना वाला IRCTC यूजर आईडी मैं भूल चुका हूँ, व्हाट्सअप भी उन्होंने किया है। फिलहाल उनको मैं बोला कि घबराने की इसमें कोई बात नहीं है, आप आईडी पासवर्ड दोनों प्राप्त कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। तो हम इन्हीं के कमेंट को देखते हुए और व्हाट्सअप पे हमसे कॉन्टेक्ट किए कि आईडी पासवर्ड भूल गया है, मुझे हेल्प कीजिए, जिसको लेकर के मैं इस वीडियो को आपको बना रहा हूँ। शायद आपके जो भी लोग IRCTC का आईडी पासवर्ड से इस्तेमाल करते हैं, टिकट बुकिंग करते हैं, उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी IRCTC का आईडी लोग भूल जाते हैं, पासवर्ड भूल जाते हैं, ये नया चीज़ नहीं है। हम भी भूल जाते थे पहले अपना आईडी, मेरा आईडी क्या है, मेरा पासवर्ड क्या है, मैं भी भूल जाता था। इस वीडियो को लेकर के आप प्लीज़ जो भी लोग टिकट बुकिंग का काम करते होंगे पर्सनल या किसी फ्रेंड्स मेम्बर अपने रिलेशनशिप के लिए, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। इसमें आपको हम आईडी पासवर्ड को आप फॉरगेट करने का पूरा तरीका बताएंगे, बड़ी ही आसानी से आप अपना आईडी को, खोए हुए आईडी को आप प्राप्त कर लेंगे और पासवर्ड को भी प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी को भी दबा दें, ताकि इस तरह की जानकारी वाला जब भी वीडियो बने तो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपको इससे कुछ बेनिफिट हो। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगेगा, जानकारी पसंद होगा, तो आप प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर करेंगे और जानकारी को दूसरे तक भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी इससे कुछ हेल्प मिले। और कुछ समस्या हो तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा सारा कुछ दिया हुआ रहता है, ईमेल आईडी और पासवर्ड भी, सॉरी व्हाट्सअप नंबर भी मेरा मिल जाएगा, वहाँ से भी आप व्हाट्सअप से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कोई समस्या आपको हो तो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको आ जाना है मोबाइल फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र में, क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है आपको और यहाँ पर आपको टाइप करना रहेगा। आप कंप्यूटर लैपटॉप कुछ से भी कर सकते हैं, तो फिलहाल मैं मोबाइल से आपको बता रहा हूँ, ज़्यादातर लोग मोबाइल से ही इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें आपको टाइप करना है आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र में IRCTC लिख करके आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आप देख रहे हो कि IRCTC का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको यहाँ पे ऊपर देखने को मिल जाएगा, www.irctc.co.in। इस पर आपको अब टाइप करके सर्च करना रहेगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख रहे होंगे इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है IRCTC.co.in, ये जो है ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद यहाँ पे देख रहे होंगे इस तरह इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे कोने पे एक देख रहे होंगे कि एक घंटी का निशान है और एक आदमी का आइकन जैसा, पुतला जैसा बगल में इसका है। तो आपको आदमी का जो पुतला दिख रहा है, आदमी का आइकन, उस पर आपको क्लिक करना है घंटी के निशान के बगल में। फिलहाल मेरा टच जो है स्लो है, जिसको लेकर के फिलहाल वर्क नहीं कर रहा है, मैं फिलहाल टच कर ही रहा हूँ। उस पर देखेंगे कि ये फिलहाल उस पर टच किए तो मेरा देख रहे होंगे कि इसमें मेरा आईडी पासवर्ड आपको शो कर रहा है, क्योंकि ये मेरा इसमें क्रोम ब्राउज़र में मेरा ऑलरेडी आईडी पासवर्ड सेव है, इसलिए मेरा आईडी पासवर्ड शो कर रहा है। तो आपको आईडी पासवर्ड खो गए होंगे, आपको याद नहीं होगा, तब आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा, नहीं तो कभी सेव किए होंगे तो आपको यहाँ से भी आपको आईडी मिल जाएगा। क्रोम ब्राउज़र से अगर आप बुकिंग कभी किए होंगे तो आपको वहाँ पर सेव करने का एक ऑप्शन आता है, सेव किए होंगे तो आपको यहाँ से भी देखने को मिल जाएगा, नहीं तो सिर्फ आप एप्लीकेशन से इस्तेमाल कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पे आपको आईडी नहीं मिलेगा। फिलहाल मेरे को आईडी यहाँ पे दिख रहा है, आपको कुछ लोडिंग लेता है यहाँ पे, तो प्लीज़ वेट लिख रहा है, तो फिलहाल हम वेट कर लेते हैं। जब तक ये लोडिंग ले, प्लीज़ वेट लिख रहा है, तब तक हमें वेट करना है। देखेंगे ये लोडिंग होकर के इस तरह से आपको खुल जाएगा। फिलहाल मेरा आईडी जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है, और ये जो है
मैं IRCTC पे वेबसाइट से यहाँ पे लॉगिन किया था मैं ब्राउज़र से, तो यहाँ पे मैं सेव करके रखा हूँ, तो यहाँ पे मेरे को आईडी यहाँ पे शो कर रहा है। आप सिर्फ एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते होंगे तो ऐप का इस्तेमाल कर रहे होंगे IRCTC का, तो वहाँ पे आपको ये शो नहीं करेगा आईडी, और करते होंगे कभी सेव किए होंगे तो यहाँ पे शो कर रहा है। चलिए मैं इसे हटा भी देता हूँ आईडी को भी, और पासवर्ड को भी यहाँ पे मैं हटा दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अब देखेंगे आपको सामने इस तरह के आपको देखने को मिल जाएगा, इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप दो तरह के ऑप्शन आता है, पहला नंबर की फॉरगेट यूजर आईडी और फॉरगेट पासवर्ड। तो सबसे पहले नंबर तो आपको आईडी पासवर्ड दोनों गुम हो चुका है, तो आप सबसे पहले नंबर तो अपना आईडी को प्राप्त करेंगे, इसके बाद पासवर्ड पे हम लोग दो नंबर पे चलेंगे, क्योंकि आईडी ही नहीं रहेगा तो पासवर्ड लेकर क्या करेंगे। तो हमको सबसे पहले नंबर फॉरगेट यूजर आईडी पे हमें क्लिक करना होगा, आईडी पासवर्ड हम दोनों हमारा खो गया है, तो हम एक एक करके समझाएंगे कि आईडी पहले पर कैसे प्राप्त करेंगे, इसके बाद पासवर्ड को हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे। तो आपको सब आईडी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको फॉरगेट यूजर आईडी पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने नेक्स्ट पेज इस तरह का आ जाएगा। आप ध्यान रखेंगे कि जो आप IRCTC का यूजर आईडी बनाते समय आपने जो ईमेल आईडी का प्रयोग किया है वो ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ आपको याद होना चाहिए। तो आपको दो चीज़ आपको याद होना चाहिए, तो फिलहाल हमें याद है, और आपको याद ना हो तो आपको मैं एक तरीका बता रहा हूँ। आप अपना ईमेल आईडी ओपन कर लेंगे, ओपन करने के बाद उसमें IRCTC के नाम से सर्च करेंगे, कभी ना कभी आपको ईमेल जो भी दो तीन ईमेल चलाते होंगे तो आप IRCTC के नाम से चेक करेंगे, आपको IRCTC द्वारा कई बार मेल आ रहा होगा कुछ का, तो उससे आप चेक कर सकते हैं कि आपको कौन सा मेल में आप आया है, या आपको पास दो तीन मेल होगा तो आप दो तीन मेल डाल करके एक एक बार ट्राई कर लेंगे, तो आपको जानकारी मिल जाएगा। यहाँ पे ईमेल आईडी में डाल दिया हूँ अपना IRCTC में जो दिया था, इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ अपना डाल देना है जो आपने दिया था। यहाँ पे हम डेट ऑफ बर्थ आपको डाल दे रहे हैं, सबसे पहले नंबर आपको डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करना है। कैलेंडर ओपन होता है, फिलहाल कैलेंडर अभी नहीं हो रहा है ओपन, चलिए मैं मैनुअली ही टाइप कर दे रहा हूँ यहाँ पे जिस तरह से आपको दिया गया है। पहला नंबर आपको 3 टाइप करना है, रिकॉर्डेड जाने को लेकर तो फिलहाल मैं इसे हाइड करूँगा। अब यहाँ पे आपको नीचे कैप्चा डाल देना है, जैसा आपको मिलेगा वो सेम उस तरह का आपको कैप्चर डाल देना है। यहाँ पे डालने के डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, ईमेल डाल दिया, ऊपर में ईमेल, इसके बाद नीचे डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद नीचे एक जो कैप्चर आपको मिलेगा वो डालना है, इसके बाद नीचे कैंसिल सबमिट का ऑप्शन आएगा, तब आपको सबमिट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देख रहे होंगे यूजर आईडी हैज़ बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, यहाँ पे देख रहे होंगे संगम और कुछ हाइड किया गया है, कुछ यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे ईमेल आ चुका है, और हम चलते हैं अपना ईमेल में, यहाँ से मैं बीच से डायरेक्ट काट देंगे हम, और यहाँ पे अपना जीमेल को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे देख रहे होंगे कि तुरंत अभी 8:14 में ये मेरे को मेल जस्ट आ गया है। अगर मेल नहीं आपको आएगा तो आप यहाँ पे बस आप यहाँ पे ऐसे लंबा सा क्लिक करेंगे तो ये पेज जो है ईमेल का रिफ्रेश हो जाएगा, तो आपको तुरंत शो कर देगा, ऐसे करके आपको नीचे खसेड़ देना है। तो फिलहाल मुझे तो ऑलरेडी आ चुका है, तब इस पर आपको टिकट एडमिन फॉरगेट डिटेल पे आप यहाँ के नाम से एक ईमेल आया है, उस पर आपको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि योर यूजर आईडी ये जो यहाँ पे शो कर रहा है संगम मेरा जो है, और ये रेड कलर में ये फिलहाल कुछ मैं ऐसे हाइड करके रख रहा हूँ, ये मेरा जो यूजर आईडी और यहाँ पे मेरा यूजर आईडी यहाँ पे शो कर दिया था। हम अपना यूजर आईडी को हम इस तरह से हम जान पाएँ मेरे को ईमेल में आ गया है मेरा यूजर आईडी जो है जो यही था ये मेरे को मिल गया है आईडी, अब हम प्राप्त कर लिए। यहाँ पे देखने को मिला डियर कस्टमर योर आईडी इज, यहाँ पे इसके बाद आपका यूजर आईडी जो है IRCTC का वो यहाँ पे लिख दिया है, आपको यूजर आईडी अब प्राप्त कर लिए। अब चलते हैं फिर से हम उसी पेज पे, तो चलिए हम फिर से बैक लेते हैं, आईडी तो हम प्राप्त कर लिए। अब इसके बाद फिर से आपको उसी पुतले पे क्लिक करना है,
या आप ऐप से भी आप कर सकते हैं, आप आईडी पासवर्ड को अपलोड कर सकते हैं। देखिए जैसे ये फिलहाल वेट कर रहा है, लोडिंग ले रहा है, यहाँ लोडिंग हो गया। अब यहाँ पे आपको पासवर्ड, आपको आईडी तो प्राप्त कर लिए, इसके बाद यहाँ पे आपको फॉरगेट पासवर्ड पे आपको क्लिक करना है। फॉरगेट पासवर्ड पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक फॉर्म सा फिर से खुल गया है, यूज़र IRCTC यूज़र आईडी, यहाँ पे आपको डालना है और आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, क्रिप्टो डालना है। चलिए जो आईडी हमें मेल पे मिला है उस आईडी को हम यहाँ पे डाल दे रहे हैं। यहाँ पे हम अपना आईडी डाल दिए हैं, सुरक्षा के लिहाज से हम इसे हाइड करके रख रहे हैं और यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दे रहे हैं, अपना डेट मंथ ईयर डाल दिए। यहाँ पे आपको कैप्चा डाल देना है जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक हमारा मोबाइल नंबर शो कर रहा है ऊपर में 123, इस पर एक OTP जाएगा, उस OTP को हम ऊपर में डालेंगे। नंबर पे यहाँ लिख रहा है कि 123 लास्ट में नंबर है, कुछ अंकों का हाइड किया है, 7 अंकों का लास्ट के 3 अंक दिखाई दे रहा है 123 कि इस नंबर पे आपका OTP गया है जो हम IRCTC का यूजर आईडी बनाते समय दिए थे। देखिए मेरा को मैसेज में भी आ गया है, तो मैसेज में यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे फिलहाल मैसेज नहीं आया है, ईमेल आया है। यहाँ पे ईमेल भी देख रहे होंगे कि ये फॉरगेट करने के लिए यहाँ पे दिया गया है, ईमेल आया है, तो हम ईमेल का पासवर्ड भी डाल देंगे, OTP डाल देंगे, तो यहाँ पे काम करेगा। मैसेज फिलहाल मुझे नहीं मिला है। 94 48 55 OTP हम यहाँ पे डाल दिए। ईमेल पे भी आपको आएगा, यहाँ पे लिख रहा है रजिस्टर ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, तो ईमेल पे भी आ सकता है, आपको मैसेज में भी आपको नंबर पे भी मिल सकता है, तो आपको जहाँ पे भी मिले वो आपको OTP यहाँ पे डाल देना है। OTP जो मिला ईमेल पे मुझे, हम यहाँ पे डाल दिए और यहाँ पे न्यू पासवर्ड डालने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे न्यू पासवर्ड हम अपना से कुछ भी सिलेक्ट कर लेंगे जो आपको डालना है। पासवर्ड आप ध्यान रखेंगे कि ये कि आपको ABCD में कोई बड़े अक्षर का फर्स्ट में प्रयोग कर सकते हैं, इसके बाद स्मॉल करेंगे, कुछ अंक मिक्स करके इस तरह से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप बनाएंगे। फिलहाल हम अपना पासवर्ड को बना ले रहे हैं। कुछ स्पेशल करेक्टर को भी हम मिक्स कर ले रहे हैं और यहाँ पे सेम पासवर्ड आपको वही डाल देना है जो ऊपर में आपने डाला है, डाल करके कन्फर्म कर लेना है। अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक कैप्चर जो आपको नीचे में मिल रहा है, वो कैप्चर आपको यहाँ पे डाल देना है। बड़ा छोटा सब ध्यान रखेंगे। अब आईडी में जो भी वर्ड बड़ा होगा वो बड़ा ही डालेंगे हर जगह, जो ऐसा आपको मिलेगा बड़ा छोटा स्मॉल को आप वर्ड को आप ध्यान में रखेंगे, अंक ध्यान में रख करके जा लेंगे, जैसा रहेगा वैसा सेम आपको डालना है हर जगह पे, नहीं तो नहीं होगा तो आप बोलेंगे कि ये गलत बनाया ऐसा कर रहा है। अब यहाँ पे बैक और अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको हम अब बैक अपडेट पिक का ऑप्शन आ रहा है, तो अपडेट पर आपको क्लिक करना है। रॉन्ग कन्फर्म पासवर्ड, पासवर्ड मेरा कन्फर्म नहीं हो रहा, मैच नहीं कर रहा है, तो चलिए मैं फिर से कर दे रहा हूँ। चलिए पासवर्ड मैं फिर से डाल करके अपना कंफर्म कर ले रहा हूँ। कुछ दोनों पासवर्ड अगर जो ऊपर नीचे नहीं मैच करेगा तो आपका आगे का प्रोसेस नहीं हो पाएगा, पासवर्ड आप नहीं तैयार कर सकते हैं, तो दोनों अच्छा से ध्यान में रख कर डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए पासवर्ड अपना OTP डाल दिए हैं, पासवर्ड डाल दिए हैं, अपना कन्फर्म पासवर्ड भी डाल दिए हैं, दोनों एक सेम पासवर्ड डाल देना है। इसके बाद कैप्चा डाल दिए हैं, अब अपडेट पासवर्ड पर क्लिक करना है। प्लीज वेट का ऑप्शन आ रहा है, ये पासवर्ड हमारा अपडेट हो चुका है। यहाँ पे देख रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, योर पासवर्ड हैज़ बीन अपडेट सक्सेसफुल, बैक टू लॉगिन। यहाँ पे लॉगिन करने का ऑप्शन भी आ रहा है, एप्लीकेशन में डाल करके आप लॉगिन कर सकते हैं। इस तरह से बड़ी ही आसानी से आप अपना IRCTC का यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ जानकारी से आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे,
कोई भी सवाल सुझाव हो तो हमें कमेंट करें और हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा वीडियो बनाने का मकसद जो है आपको जानकारी देना। ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी नेता लीडर की जैसा भाषण दे रहा हूँ आपको, हम जानकारी हमारा अगर समझ में ना आए तो इस वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है वो शायद सक्सेसफुल नहीं होगा, और आपका देखने का जो मकसद है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। तो कुछ भी आपको समस्या होता है तो हमें कमेंट करें या व्हाट्सअप करें, हम आपको जवाब जरूर देंगे, हम आपको हेल्प जरूर करेंगे। हमारे चैनल में पहले बार होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में घंटी को भी दबा देंगे, जाके इस तरह का नया जानकारी वाला वीडियो जब भी बने तो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आपको उससे कुछ बेनिफिट कुछ फ़ायदा हो और जानकारी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर करेंगे और जानकारी को और लोगों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी इससे कुछ बेनिफिट हो। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक ले दीजिए इजाज़त, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।